मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः दो ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण। इस पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 महाकांड हैं। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है। इनमें महर्षि वाल्मीकि के रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण रामचरितमानस या अन्य रामायण में नहीं है। इनका विस्तृत वर्णन केवल महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। पहला, रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। दूसरा, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवी देवताओं का बखान मिलता है। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये कुल 33 देवता हैं। तीसरा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, तब महर्षि विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा था। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, वह उससे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। चौथा, विश्वजय के दरमियान जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे रंभा नामक अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने उससे कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूं, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूं। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी पराई स्त्री को बिना उसकी स्वेच्छा से स्पर्श करेगा, तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पांचवा, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया कि हे राम, तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं राजा बन जाओ। छठा, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं सुपर्णा भी चाहती थी कि रावण का सर्वनाश हो जाए। दरअसल सुपर्णा के पति का नाम विद्युत जीव्य था, जो कालकेय नामक राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला, तो उसने कालकेय से भी युद्ध किया। उस समय युद्ध में रावण ने विद्युत जीव्य का वध कर दिया। तब सुपर्णा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि हे रावण, तेरा भी सर्वनाश मेरे ही कारण होगा। सातवां, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसे खाने के बाद माता सीता की भूख और प्यास शांत हो गई। आठवां, सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। नौवां, जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम और लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ही राक्षस बन गया था। जब प्रभु श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि को समर्पित किया, तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। दसवां,
जब काफी समय तक राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव स्वरूप भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया।